ऊना विधानसभा के अंतर्गत पड़ते गांव कस्बा संतोषगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में जान गंवा चुके सुमित को लेकर आज इलाका वासियों ने कैंडल मार्च निकाला और उसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, सुमित का शव ऊना के साथ लगते गांव कोटला कला में एक पेड़ से लटका मिला था, लेकिन आज दिन तक उसकी मौत के कारणों का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। सुमित की मौत के बाद इंसाफ ना मिलने से लोगों में भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। कि आप कैंडल मार्च से सरकार व प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमारी सबसे पहले तो हमें बहुत शर्मिंदा है, अभी तक सुमित के कातिल जिंदा है। बहुत समय हो गया है अभी सरकार से हम मांग करते हुए कि सुमित के कातिलों को जेल के अंदर डाला जाए, जब तक आज तक भी सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया है उसके लिए। हम सरकार के प्रति अभी अपने कैंडल में तब रखा है कि सर, हम तो बोल बोल के थक चुके हैं, अभी तो हम चुप्पी के लिए इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। एक उनका देखिए, उनका भांजा बहुत ही अपने मामा की अपनी फोटो लेके वो डिमांड अपनी मांग कर रहा है कि मेरे मामे के कातिलों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके लिए उनका ब्रदर एक अपने सरकार से एक बड़ी उम्मीद लेके काम करने के लिए साथ में चले हुए हैं, फिर सरकार उन्हें देखिए उनके इंसाफ दे, पर आज तक भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, यही उनसे मांग है हमारी कि सुमित के कातिलों को अंदर किया जाए और CBI जांच की जाए इसके ऊपर। जो ये आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि अभी हम सुमित का इंसाफ दिया जाए, वो सरकार से बार बार मांगे हैं। हमें अभी जहाँ तक संतोषगढ़ में शुरू किया है, अभी हम जाके गांव-गांव में हम कैंडल मार्च के थ्रू हम इसका इंसाफ की मांग करेंगे। मेरे मामू सुमित कुमार जी, जिन लोगों ने उन्हें मारा उन्हें जेल में डाला जाए। जी देखो, बच्चा छोटा जिस टाइम उसके हाथ में किताब होनी चाहिए, अपने मामे की फोटो लेके मैं कर हाथ में एक इंसाफ के लिए उन्होंने बच्चों को सोए मांग रखे सरकार को, फिर भी अगर नहीं दिख रहा तो बड़ी शर्मिंदगी की गल है। असी तो सरकार तो बार बार यही मांग करते हैं, और जेडे भी कातिल होवे, चाहे किसी भी धर्म के होवे, किसी भी मजहब के होवे, किसी भी सरकार पिछे हट के राजनीतिकरण पिछे हट के उन्होंने सलाखा के पाना चाहिए। हूँ मेरे नाल शहरी कायदे साहब एक प्रार्थना करना चाहता प्रशासन अगे कि इस बच्चे के माँ बाप कुछ नहीं है, ठीक है ना, कर दी सारी जिम्मेवारी इस बच्चे ने ली। हमने प्रशासन के आगे बहुत बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने हम लोगों की नहीं सुनी। एक आम जनता गरीब आदमी के साथ ऐसा बिहेव हो रहा है कि हमें बहुत शर्मिंदगी है कि मेरा साला, जिसकी शादी की उम्र थी, जिसकी हम शादी तय करने वाले थे, तो उसके साथ ये कांड किया गया। पुलिस प्रशासन 20 दिन तक चुपचाप बैठा रहा, तो यहाँ पर सारे क्लू मिले, वो सराउंडिंग एरिया 400 मीटर का पुलिस ने वहाँ पे छानबीन नहीं की, और हमें उल्टा टॉर्चर फोर्स करती गई कि आप गाड़ी लेके आओ। तो एक पुलिस वाला हमें गाड़ी लेके उन्ना बुलाता था, और गाड़ी हमारी गाड़ी से कोटला कला, वो 1.5 किलोमीटर दूरी जो उन्ना से कोटला कला स्टेशन है वो 1.5 किलोमीटर है, लेकिन हमें रायपुर से 15 किलोमीटर वहाँ बुलाया जाता था। हमें इतना प्रताड़ित किया गया प्रशासन द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा विशेषकर, और हम तो यही गुजारिश करते हैं पूरी पब्लिक से कि हम लोगों का जिन्होंने सहयोग दिया, आज संतोषगढ़ की जनता ने जो हमारा सहयोग दिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन सुमित के कातिलों को पूरी सजा मिलनी चाहिए, आइंदा किसी के बच्चे के साथ, गरीब बच्चे के साथ ऐसा ना हो। इसलिए वहाँ पे जो भी दोषी हैं उन लोगों को प्रताड़ित करके, जो भी करके पुलिस जिस प्रशासन से करना चाहे, उन लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हमारी विनम्र प्रार्थना प्रशासन से और पुलिस से यही है। अभी एक हफ्ता बीत चुका है, प्रशासन की तरफ से आपको आश्वासन या कोई संदेश मिला है? प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं। प्रशासन को जब हम ASP विनोद कुमार जी को फोन लगाते हैं, धवान जी को, तो हमें एक ही आश्वासन दिया जाता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। जबकि पुलिस प्रशासन हमें किसी भी तरीके से अवगत नहीं करा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और ना ही पुलिस प्रशासन ने हमारे पास आके, DSP साहब हमारे पास 4-5 दिन पहले आए, उसके बाद हमारे पास पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी आके हमारे परिवार से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें संतावना उन्होंने नहीं दी अभी तक आगे किसी ने। मेरे अपने प्रधान नगर परिषद में संदोगढ़ वासियों द्वारा सुमित विशेष सहोड़ की आकस्मिक और परिस्थितियों में उनकी जो मौत हुई है, हम सभी सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि सुमित सहोड़ की जो मौत का जो कारण है, उसका बड़ी जल्दी से उसके ऊपर से पर्दा उठाया जाए और उनके घर वालों को बड़ी जल्दी से इंसाफ दिया जाए। सुमित
हम शर्मिंदा है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए संतोषगढ़ से नरेश सिंघा की रिपोर्ट। हमारे कातिल जिंदा है।